पांडे ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय पोषण माह दिवस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों से प्रसूताओं की बैठक करते हुए 10 महिलाओं की गोद भराई की रस्म को अदा करते हुए उनको फल उपहार में देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उन महिलाओं को बताया गया है कि प्रसव से पहले और प्रसव के बाद में उन्हें क्या खाना चाहिए, जिससे कि उनका और उनके होने वाले शिशु को बीमारी और कुपोषण से बचाया जा सके। जिन महिलाओं ने अपने शिशु को जन्म दे दिया है, जन्म होने के बाद और 6 माह की आयु तक अपने शिशु को माँ खुद अपना दूध पिलाए और 6 माह बाद शिशु को दाल दलिया खीर का खाना देना शुरू कर दे, जिससे कि बच्चे में कुपोषण जैसी बीमारियां पैदा ना हो और बच्चा स्वस्थ रहे। शकुंतला देवी CDPO ने बताया कि आज बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को उनके क्षेत्र से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा ब्लॉक सभागार में बुलाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में से एक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन करते हुए हमने उन महिलाओं को सम्मान दिया है जो गर्भवती हैं या जिन्होंने 6 महीने से पहले तक अपने शिशुओं को जन्म दिया है। तो वहीं शासन के डिजिटल काम करने की ऑनलाइन सुविधा के लिए हमने अपने क्षेत्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सैमसंग कंपनी का स्मार्टफोन देकर ऑनलाइन काम करने की प्रेरणा दी है, जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अपने अपने क्षेत्रों में समय से काम कर सकें। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी श्रद्धा गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव जय सिंह, ग्राम प्रधान पति नजर अली आदि मौजूद रहे। आज मेरा नाम शकुंतला देवी है, मैं ब्लॉक मुंडा पांडे में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर प्रभारी के रूप में कार्य कर रही हूँ। आज गर्भपुर सभागार में आज हमारा पोषण माह के अंतर्गत एक चौपाल का आयोजन किया गया यहाँ पर, और इसमें मैंने 10 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई गई थी माननीय प्रिंसिपल साहब के हाथों और BDO मैडम के हाथों से, और 5 बच्चों का मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें गांव एक क्या है न्यामतपुर टोलिया से आए थे, और 10 किशोरी बालिकाओं को मैंने सेनेटरी पैड का वितरण किया, और मैंने यहाँ पर रंगोली सजाई पोषण माह के ऊपर, और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इसी चौपाल के अंतर्गत मैंने 40 मोबाइल स्मार्टफोन का वितरण माननीय प्रमुख साहब के हाथों से करवाया। मैम, मोबाइल जो दिए हैं, मोबाइल क्यों दिए उनको, क्या वजह है? सर, ये मोबाइल इस समय ये पोषण माह है और लगातार हमारा ये ऑनलाइन कार्य हो रहा है, तो इस ये पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से हमारी शासकीय कार्य सारे विभागीय कार्य इसमें अपलोड किए गए हैं, तो इन लोगों को अपने पास से विचारों को परेशान सभी कार्यकर्तियों को हो रही थी, इसलिए माननीय सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये स्मार्टफोन का वितरण कराया गया है, और जिससे कि आप सारा शासकीय कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जी अपने केंद्र से संबंधित इस पर अपलोड करेंगे। ठीक है मैम। हमें राष्ट्रीय पोषण माह का अंतिम दिन था, तो उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 40 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्ट फोन वितरित किए गए हैं, और गोद भराई की रस्म भी की गई थी, जिसमें 10 प्रसूताएँ आई थी, उनकी गोद भराई की रस्म की गई, और 5 बच्चों का अन्नप्राशन की एक होती है, अन्नप्राशन की एक योजना है, उसके अन्नप्राशन कराया गया 5 बच्चों का, और जानकारी दी गई कि कैसे भाई पोषण हमें अधिक से अधिक किन किन सब्जियों में और किस खाने में पोषण अधिक है, वो सब भी उनको बताया गया।